सबसे पहले तो मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं का मूनलाइट स्कूल में पहुंचने पे हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं। और जितने भी साथी यहां पे आए हैं, मैं उनका भी हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं। आप साथियों के चैनल के माध्यम से समस्त हरियाणा की जनता को मैं 2023 की बधाई देता हूं। सभी बुजुर्गों को, सभी मातृशक्ति को मैं अपनी तरफ से भी, अपने परिवार की तरफ से भी और अपनी पार्टी की तरफ से भी, नव वर्ष आप सभी के लिए नई खुशियां लेके आए, जिसकी जो मनोकामना है भगवान सभी की मनोकामना पूरी करे। जनवरी के एंड में जो हरियाणा के डिप्टी सीएम माननीय श्री दुष्यंत चौटाला जी, वो एक बड़े प्रोग्राम के अंदर कैथल के अंदर आ रहे हैं, तो भारत की जो प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले, माता सावित्रीबाई फुले, उसकी हम हरियाणा लेवल के ऊपर जयंती मना रहे हैं और दुष्यंत चौटाला जी उस जयंती के अंदर पहुंच के माता सावित्रीबाई फुले के चरणों में अपने श्रद्धा के सुमन अर्पित करेंगे और कैथल को एक नई सौगात दे के जाएंगे। अभी हाल ही में 9 तारीख को भिवानी के अंदर हमारी पार्टी की रैली हुई थी। उस रैली के होने के बाद हरियाणा का हर व्यक्ति ये बोलने लग गया कि 2024 के अंदर पूर्ण बहुमत से जजपा की सरकार बनेगी और हमें पूरा विश्वास है कि आज हरियाणा की जो जनता है वो दुष्यंत चौटाला के साथ है, क्योंकि दुष्यंत चौटाला जी की जो कार्यशैली है वो कार्यशैली बहुत अच्छी है। अभी मैं आप साथियों के चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, जो गरीब परिवार हैं वो बीपीएल राशन कार्ड के लिए दर दर की ठोकरें खाते थे, तो दुष्यंत चौटाला जी ने ये बात रखी और अब जिनकी 1,80,000 से कम आए हैं उन सभी परिवारों के बीपीएल राशन कार्ड बनेंगे। ये भी एक बधाई की बात है, इससे जो हमारे गरीब परिवार हैं उनको लाभ मिलेगा। दोबारा फिर से हरियाणा की समस्त जनता को, बड़े बुजुर्गों को, नौजवान साथियों को, मातृशक्ति को मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं और नव वर्ष 2023 की बधाई देता हूं और भगवान से मंगल कामना करता हूं कि सबका भला हो, सबके घरों में सुख शांति रहे, मेरा प्रदेश और मेरा देश आगे बढ़े। सर, आप एक खिलाड़ी हैं, छोटे भाई मैं तो खिलाड़ियों के साथ हूँ और खिलाड़ियों का मान सम्मान करना चाहिए और खिलाड़ियों की वक्त वक्त पे जो भी कोई डिमांड हो उसको पूरा करना चाहिए। इस बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं तो आज आप सभी साथियों के चैनल के माध्यम से नव वर्ष 2023 की बधाई दे रहा हूँ।